सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, गजपति जिले का नाम महाराजा श्री कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव, जो कि पारला खेमुंडी स्टेट के राजा साहेब थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं उड़ीसा राज्य के गजपति जिला के बारे में बताऊंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दो अक्टूबर 1992 को एक नया जिला बनकर उभरा गजपति जिला, दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य से, पूर्व में गंजाम जिले से, पश्चिम में रायगढ़ जिले से और उत्तर में कंधमाल जिले से घिरा हुआ है। दोस्तों, गजपति जिले का टोटल एरिया 4,325 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 2,521 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है। फिलहाल गजपति जिले के अंतर्गत एक सब डिवीज़न, एक नोटिफाइड एरिया काउंसिल, 7 तहसील, 7 ब्लॉक, 149 ग्राम पंचायत, 1,534 गांव और एक म्यूनिसिपैलिटी आते हैं। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार गजपति जिले का टोटल पॉपुलेशन 5,77,817 है, जिसमें कि मेल पॉपुलेशन 2,82,882 और फीमेल पॉपुलेशन 2,94,935 है। दोस्तों, गजपति जिले में रहने वाले लोगों में हिंदू 61.12%, क्रिश्चियन 37.98% और अन्य धर्म के लोग 0.9% शामिल हैं। वहीं बात अगर सेक्स रेशियो की करें तो गजपति जिले का सेक्स रेशियो 1,043 महिला प्रति 1,000 पुरुष है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, और ये यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग लड़कों और लड़कियों में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं करते हैं। दोस्तों, गजपति जिले की इस खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है। साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार गजपति जिले का साक्षरता दर 53.49% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 64.38% और महिलाओं की साक्षरता दर 43.18% है। वहीं पढ़ने के लिए गजपति जिले में कई सारे सुंदर सुंदर स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, जहां स्कूलों में जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल, महाराजा बॉयज़ हाई स्कूल, ग्राम विकास रेसिडेंशियल स्कूल, श्री कृष्ण चंद्र गजपति हाई स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल गजपति और ग्लोबल इंडियन स्कूल, जबकि कॉलेजों में सेंचुरियन स्कूल फॉर रूरल इंटरप्राइज मैनेजमेंट, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, संस्कृत कॉलेज पारला खेमुंडी, विमेन्स कॉलेज पारला खेमुंडी, श्री कृष्ण चंद्र गजपति ऑटोनोमस कॉलेज, गजपति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गजपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गजपति स्कूल ऑफ नर्सिंग, गजपति स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, महेंद्र तनय कॉलेज, श्रीराम डिग्री कॉलेज, आईटीआई गुम्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गजपति, इंडियन मेमोरियल कॉलेज चंडीपुत और बिनोदिनी साइंस जूनियर कॉलेज जैसे शानदार कॉलेजेस मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।
बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की हो तो गजपति जिला में कई सारे शानदार हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CBM सेरेंगो क्रिश्चियन हॉस्पिटल, डॉक्टर रवि हॉस्पिटल, सौम्या नर्सिंग होम और कई सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी शामिल हैं। दोस्तों, गजपति जिले का मेन सोर्स ऑफ इनकम कृषि और इससे संबंधित काम है। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री भी इस जिले के रेवेन्यू अर्निंग में काफ़ी हद तक सहायक हैं। दोस्तों, गजपति जिला का बंबू वर्क, गंजप्पा कार्ड, पत्ता चित्र, ब्रूम वर्क, सियाली लीफ प्लेट मेकिंग और तिब्बतन वूलन कारपेट पूरे उड़ीसा भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष में गजपति जिले का पर कैपिटा इनकम 39,687 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष था। दोस्तों, गजपति जिले तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गजपति जिले से नेशनल हाईवे संख्या 326A गुजरती है, जो कि इस जिले को आंध्र प्रदेश राज्य से जोड़ती है। बात अगर रेल मार्ग की हो तो गजपति जिले के कुछ नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में गुनपुर, पालसिंगी, पारला खेमुंडी और बंसधरा हॉल्ट रेलवे स्टेशन मुख्य रूप से शामिल हैं। दोस्तों, गजपति सिटी सेंटर से भुवनेश्वर बीजू पटनायक एयरपोर्ट की दूरी 300 किलोमीटर के करीब है। गजपति जिले में कई सारे शानदार और खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जिनमें गजपति पैलेस, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी, वृंदावन पैलेस, देवगिरी हिल, गंधती इकोलॉजिकल पार्क, गंधती वाटरफॉल और पारला खेमुंडी बस स्टैंड जैसे कई सारे रोचक जगहें शामिल हैं। दोस्तों, गजपति जिले में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाओं में उड़िया, सौरा, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु मुख्य हैं। दोस्तों, गजपति जिला सौरा जनजाति का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के सौरा जाति के लोग हमेशा अपने साथ कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखते हैं, जो कि मुख्यतः शिकार के लिए रहता है। दोस्तों, गजपति जिले में कई सारे पर्व और त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से रथ यात्रा, दशहरा, कुमार पूर्णिमा, ठकुरानी यात्रा और पोंगल शामिल हैं। जहां तक बात गजपति जिले के फोक डांसेस की हो तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गजपति जिले में पाइका अखड़ा, लंजिया सौरा डांस, बीरवाद्य, गोला नट, भूत केली डांस, मुआ डांस और तेती सिंगी ट्राइबल डांस शामिल हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में गजपति जिले का क्राइम रेट 97.44 रहा था। तो दोस्तों, गजपति जिला आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और वीडियो देखकर लाइक और शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।